This video is brought to you by Howzat. Download the app now. राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2021 की शुरुआत अच्छी होती नहीं दिख रही है। पहले तो टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ बेहद नजदीकी मुकाबले में हार मिली, दिल तोड़ देने वाली हार। और अब टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। चल दूसरा कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क। बेन स्टोक्स के बाएं हाथ की उंगली टूट गई है। ये चोट उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए लगी थी। पंजाब की बल्लेबाजी के दौरान 10वें ओवर में रियान पराग गेंदबाजी कर रहे थे और क्रिस गेल बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर गेल ने करारा हिट लगाया, गेंद हवा में गई। स्टोक्स कैच लेने के लिए लॉन्ग ऑन से भागते हुए आए और आगे की ओर डाइव मारी। उन्होंने कैच तो ले लिया लेकिन इसी कोशिश में उनकी उंगली में चोट लग गई। मैच के बाद स्कैन करने पर पता चला कि उंगली में फ्रैक्चर है। बेन स्टोक्स ने पिछले सीजन में 8 मैच में 285 रन बनाए थे और कुल 2 विकेट लिए थे। आईपीएल में उन्होंने कुल 43 मैच खेले हैं, 28 विकेट लिए हैं और 920 रन बनाए हैं। बल्लेबाजी में उनका औसत 25.55 का और स्ट्राइक रेट 134.50 का रहा है। उनके नाम 2 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज हैं। गेंदबाजी में स्टोक्स की इकोनमी 8.55 की रही है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि बेन स्टोक्स अभी इंग्लैंड वापस नहीं लौटेंगे, वे भारत में ही टीम के साथ रहेंगे और टीम को इनपुट्स देते रहेंगे। स्टोक्स का बाहर होना राजस्थान रॉयल्स के लिए करारा झटका है क्योंकि पहले ही उनके मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर टीम से बाहर हैं। हालांकि आर्चर फिटनेस हासिल कर रहे हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी उनका शुरुआती 4 मैचेस मिस करना तय माना जा रहा है। वहीं सीजन के अपने पहले मैच में राजस्थान हार झेल चुकी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टीम 222 रन का लक्ष्य चेस कर रही थी। कप्तान संजू सैमसन ने 63 गेंद पर 119 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। टीम लक्ष्य से 4 रन पीछे रह गई। ये खबर आपके लिए लिखी है अभिषेक ने। कैमरे के पीछे विभव और मैं मेघा, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।